पार्टी के कद्दावर प्रवक्ता स्टूडियोज में मौजूद हैं, आपका स्वागत है। मेरे साथ निशांत वर्मा है जो शुरू से पैरवी कर रहे थे और वकालत कर रहे थे कि यह गठबंधन की सरकार बनेगी और इस बार लोकतंत्र जीतेगा। निशांत वर्मा स्टूडियोज में मौजूद हैं, संजय गुप्ता नेता शिवसेना के, आज बहुत बहुत बधाई संजय गुप्ता आपको, आपका मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सोनिया दुहन है छात्र नेता एनसीपी की, उनका स्वागत है। एनसीपी ने पूरा खेल रचा था क्या, ये आज पूछा जाएगा उनसे। एनसीपी ने पूरा खेल रचा था जिसके जाल में भारतीय जनता पार्टी फंस गई। उसके बाद मेरे साथ अशोक वांखड़े हैं, जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, उनका स्वागत है। और मेरे साथ सतपाल जैन हैं, अटॉर्नी एएसजी, उनका भी स्वागत है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। सबसे पहला सवाल संबित पात्रा आपसे बनता है, आप लोगों ने शपथ ली, शपथ के 80 घंटे बाद इस्तीफा देना पड़ा, इस फजीहत की जरूरत क्यों पड़ी? अजीत पवार पे जरूरत से ज्यादा भरोसा ले डूबा आप लोगों को? देखिए, जहां तक भरोसे का सवाल है, मुझे तो लगता है शिवसेना पे भरोसा करना वो हमारी गलती थी। और हाँ, सही बात है, कहीं ना कहीं आपका ये प्रश्न कि क्या अजीत पवार पे आपने जो भरोसा किया वो सही किया, हो सकता है वो भरोसा भी हमने गलती किया। तो कुल मिला के आप अगर भारतीय जनता पार्टी को गलत कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी की गलती देखेंगे, तो ये विश्वास है, हमने अपनों पर विश्वास किया और वो हमारी गलती थी। देखिए, या तो ये भी कह सकते हैं हमारे पास संख्या नहीं थी, आत्मविश्वास था, अति आत्मविश्वास था। अगर ये हमारी गलती है तो दूसरी तरफ क्या खड़ी है? दूसरी तरफ विश्वासघात खड़ा है। कौन सा गुनाह है और कौन सी गलती है? हो सकती है भरोसा करना हमारा गलती हो, मगर पाप होता है विश्वासघात। शिवसेना ने विश्वासघात किया है, जनता के मैंडेट का विश्वासघात किया है। हमारे कंधे पर बैठकर, बड़े भाई के कंधे पर बैठ के छोटा भाई चुनाव लड़ती है, एक विचारधारा को लेकर हम चुनाव लड़ते हैं, जनता हमें 161 सीट देती है और उसके बाद विश्वासघात। दूसरी बात, चलिए हो सकता है हमारी गलती हो कि हमने महाराष्ट्र की जनता के बारे में सोचा। शिवसेना ने, एनसीपी ने, कांग्रेस ने, क्या ये महाराष्ट्र के बारे में सोच रही है? बिल्कुल नहीं, ये परिवार के बारे में सोच रही है, महाराष्ट्र वर्सेस परिवार। हाँ, अगर महाराष्ट्र के बारे में सोचना गलती है तो हम गलत है। आप टीका टिप्पणी पूरी करिए कि वहां पर पवार फैमिली की हेल्प करने के लिए गए, ठाकरे परिवार की मदद करने के लिए गए, गांधी परिवार की मदद करने के लिए गए, लेकिन आज का फलसफा ये है कि आपके मुख्यमंत्री को, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को, जिनको बड़े चाप से आपने सुबह सुबह मुख्यमंत्री बनवाया था, उनको 80 घंटे बाद इस्तीफा देना पड़ा, नंबर आप नहीं जुटा पाए। नारायण राणे जो कह रहे थे अब आएगा मजा, मजा तो आ गया, मजा तो आ गया। मैं मुंबई में खड़ा हूं, यहां पर लोग हंसी उड़ा रहे हैं आज, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सिचुएशन को और खराब कर लिया। देखिए अमीश भाई, आप याद करिए, ठीक इसी प्रकार की परिस्थिति कर्नाटक में हुआ था। लोग हमसे पूछ रहे थे येदुरप्पा जी को तो इस्तीफा देना पड़ गया, अब भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा, लुटिया तो डूबो गया भारतीय जनता पार्टी का। मगर चंद दिनों के बाद कुमार स्वामी जी को रुमाल निकालना पड़ा था, वो तौलिया निकालना पड़ा था, बार बार वो आंसू पोंछते हुए नजर आते थे और हर बार वो कहते थे मुझे तो क्लर्क बना दिया, मुझे तो बहुत बेइज्जती के साथ चीफ मिनिस्टर ये पद पे स्वीकार करना पड़ा। पर यहां तो उद्धव ठाकरे, ये कुमार स्वामी नहीं है, इतिहास में देखा है, उद्धव ठाकरे हैं, बाला साहब के वंशज हैं, बाला साहब के वंशज हैं, उद्धव ठाकरे हैं, चाहे सोनिया गांधी के भरोसे हो, चाहे शरद राव पवार के भरोसे हो, लेकिन है बाला साहब के वंशज। तो बहुत फर्क है कुमार स्वामी और उद्धव में। नहीं, बहुत दुख लग रहा है कि आज बाला साहब के वंशज, गर्व से हम भी बाला साहब ठाकरे जी का नाम लेते थे, उनके